हर्षराज जैसा उभरता हुआ नौजवानों को जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्मम हत्या किया गया है, ऐसे लोग कभी समाज के और राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। पटना विश्वविद्यालय के अंदर एक उभरते हुए सितारे हर्षराज जैसे नौजवान की बर्बरता पूर्वक निर्मम हत्या कर देना यह बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में जिन अपराधियों ने, जिन लोगों ने ऐसा करवाया है, उनको खोज खोज कर पकड़ा जाएगा और प्रशासन अपना काम करेगी और ऐसे में प्रशासन कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करेगी। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का एक बयान आया है जहां पर उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से हर्षराज जैसे युवक की हत्या कर देना, ऐसे में उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे तरीके से प्रशासन से हमारी बात हो रही है, प्रशासन जांच कर रही है और जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन अपराधियों ने किया है, उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय का छात्र था हर्षराज और ऐसे में कल तस्वीरें सामने निकल के आई जहां यह देखा गया कि हर्षराज को नकाबपोश लोगों ने खदेड़ खदेड़ कर मारा और जिसके बाद हर्षराज की मौके पर मौत हो गई और जिसको देखते हुए लगातार अब उनके परिजन गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से हत्या किया गया है, ऐसे लोग कभी समाज के, राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते हैं। इस पर पूरे कार्रवाई होगी, हमारी प्रशासन से भी बात हुई है, जो लोग होंगे वह बचेंगे नहीं, पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा, शिकंजा कसेगा। नौजवान मित्रों से उन्होंने अपील की है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा, शांति बनाए रखें नौजवान मित्र, जिसने कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अपराध किया है, ऐसे अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो निकम्मे लोग थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनकी भी जांच की जाएगी। ऐसे में जो लोग मुख्य दर्शक बन के बैठे थे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनसे भी पूछताछ होगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप। पटना विश्वविद्यालय के अंदर हर्षराज जैसा उभरता हुआ नौजवानों को जिस बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्मम हत्या किया गया है, ऐसे लोग कभी समाज के और राष्ट्र के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग दया के पात्र नहीं, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, जो भी जहां भी होंगे उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होगी। ऐसे लोग समाज के हितैषी नहीं और ऐसे लोग पर पूरी तरह से कानून अपना काम करेगा, शिकंजा कसेगा। और मैं कहना चाहूँगा अपने नौजवान मित्रों से कि आप शांति बनाए रखें, ऐसे लोग को बचाने वाले मानसिकता को अवसर नहीं दें किसी भी तरह के अपने आंदोलन के माध्यम से, और ऐसे लोग के साथ किसी की सहानुभूति भी नहीं होगी। ये पूरी तरह से अपराध किया है और ऐसे अपराधी और ऐसे निकम्बे जो लोग यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, उनकी भी जांच होगी। तो आपने सुन लिया, विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से हर्षराज की हत्या की गई, जिन लोगों ने साजिश रचा, जिन लोगों के द्वारा हत्या करवाई गई, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन से बात हो रही है। ऐसे में जो लोग मुख्य दर्शक बन के बैठे थे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। देखिए, जिस तरीके से हर्षराज की हत्या कर दी गई, इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने गलत किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, प्रशासन कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई जो है वो देखने लायक होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।